नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको घी को धोकर दिखलाऊंगी कैसे घी को धोते हैं। मैं सत तौत कृतम बनाकर आप सबको दिखलाती हूँ। आज मेरे पास एक छोटा सा तांबा का बर्तन है, उसमें मैं थोड़ा सा गाय का घी ली हूँ, शुद्ध देसी गाय का घी, और मैं इसे आप सबको धोकर दिखलाऊंगी। क्योंकि बर्तन छोटा है इसलिए मैंने घी भी थोड़ा सा लिया है। इस घी को धोने के लिए ठंडा पानी लेना होता है। ठंडा पानी कहाँ से लाएंगे? तो हम घड़े का ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। मैं घी को घड़े के ठंडा पानी से धोऊंगी। साथ ही साथ पहले के जमाने में जब घी धोते थे तो बहुत सारे नियम होते थे कि पूर्णिमा का दिन चुना जाता था ताकि पूरी रात रोशनी रहे। पूर्ण चांद हो तो रोशनी पूरी मिलती रहती है और ज्यादा समय तक पूरी रोशनी मिलती है। पूरी शीतलता के साथ हम रात भर बैठ करके आराम से घी को धो सकते हैं, बिल्कुल ठंडे में। तो इसलिए रात का समय पूर्णिमा का दिन चुना जाता था घी को धोने के लिए। हम लोग जब समय मिलता है तब घी को धोने बैठ जाते हैं। लेकिन घी को धोना है, कितना भी कुछ भी हो जाए, समय कोई भी हो, घी को धोना है। मतलब कितनी बार धोना है इसे, 100 बार धोएं, 100 से ज्यादा बार धोएं, जितना ज्यादा धोएंगे घी उतना ठंडा होता चला जाता है और वो उतना ही फायदेमंद होता चला जाता है। तो चलिए मैं आपको घी को धोकर दिखलाती हूँ। ये ठंडा किया हुआ घी, धो धो कर ठंडा किया हुआ घी बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम में काम आते हैं, बहुत सारे। अब इसी घी में बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है तो अलग अलग तरह के रोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो लेकिन अगर सिर्फ इस घी को धोकर सीधा इस्तेमाल किया जाए तो स्किन पर रौनक आ जाती है, नेचुरल रौनक जो होती है वो आ जाती है। सत धौत कृतम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी झुर्रियां नहीं आती चेहरे पर। घी को धोने के लिए पहले तो हाथ को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और ये मैंने शुद्ध देसी गाय के घी लिए हैं। इसमें जितना घी लेते हैं उतना ही पानी डालकर और इसे धोया जाता है। ये देखिए, मैंने घी में पानी डाल दिए हैं और इसे इस तरह से, अभी सर्दी का मौसम है तो घी ज्यादा आसानी से धुलता है, इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे मन से इस घी को धोएंगे। अब हम अपने अच्छे मन को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मन में तो तरह तरह के विचार आते हैं, अच्छे बुरे सारे विचार आते रहते हैं। तो इसके कारण लोग क्या करते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। जितने देर घी को धोते हैं उतना देर मंत्र जपते रहते हैं। अब इसे कुछ देर तक इस तरह से हम हिलाएंगे घी को। गर्मियों में अगर हम इस घी को धोते हैं तो थोड़ी परेशानी आती है, बहुत जल्दी ये नहीं धुलता है, थोड़ा सा बर्बाद भी होता है, ज्यादा धुल जाता है लेकिन बहुत बर्बाद होता है। होते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से घुमाएंगे घी को। अब आप हाथ से घुमाएं या किसी बर्तन से, अब अपने हाथ से घुमाते तो हमारे मन की जो अच्छी भावना होती है वो घी में जाती है। हम अच्छे भावना से इस घी को धोएंगे तो हमारा ही रोग ठीक होगा, हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारे स्किन के प्रॉब्लम ठीक होंगे, सारे स्किन के प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं इस घी से। और अब हम पानी को गिरा लेंगे, कम से कम 1 मिनट घी को धोने में लगाएंगे और इस तरह से पानी गिरा देंगे। देखिए कितना आसान है धोना। इसी तरह से बार बार इसमें पानी डालेंगे, घी को समेटेंगे क्योंकि सारे घी को धोना है। ये बहुत आसान है। अब चूंकि हम लोगों को घर में बहुत सारे काम होते हैं तो एक बार में 100 बार धोना मुश्किल होता है, लेकिन मैं 50 बार धो लेती हूँ। एक बार ऐसा समय निकाल कर रखती हूँ और तब धोने बैठती हूँ कि मैं आराम से कम 50 बार धो सकूं। ये इतना थोड़ा सा घी ही बहुत दिन चलता है।
इसी तरह से घी को धोते जाते हैं और इसका पानी निकालते जाते हैं। जब लास्ट में बिल्कुल मतलब जितना ज्यादा आप धो सकते हैं इसको धो लें, और लास्ट में जब इसे धोएंगे तो देखिए इस तरह से इसे करेंगे तो इसमें जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो भी पानी की बूंद इसमें अटकी हुई होती है, वो सब निकल जाती है। मैं आपको दिखलाती हूँ। बहुत ज्यादा इसे इस तरह से स्पिन कर देते हैं तो पानी की बूंद बाहर आ जाता है और हम उसे इस तरह से गिराकर निकाल सकते हैं, झाड़ सकते हैं। हाँ, अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम के लिए इसमें अलग अलग कुछ जड़ी बूटियों को मिला दिया जाता है, लेकिन अगर आपको मॉइस्चराइजर के रूप में सद्धौत कृतम को लगाना है तो बस ऐसे ही लगाना है, बस ये धोया हुआ घी चेहरे पर लगा लेना है। देखिए इसमें पानी की बूंद होती है तो बाहर दिखने लग जाती है, बहुत ज्यादा इसे इस तरह से स्पिन कर देते हैं तो पानी की बूंद बाहर आ जाता है और हम उसे इस तरह से गिराकर निकाल सकते हैं, झाड़ सकते हैं। इसे इस तरह से झाड़कर पानी की बूंद को निकाल सकते हैं। अब देखिए घी कितना थोड़ा सा था जब मैंने इसे धोया है, तो ये कितना हो गया। अभी इसे और धोना है, जितना धोएंगे ये उतना बढ़ जाता है और ये बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का हो जाता है और एकदम ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से सतधौत घृत बनाते हैं। देखिए इसमें पानी की बूंद ऊपर आ गई है। अब इसे आपको ये चमकता हुआ बूंद दिख रहा है, इसे आप जब इस तरह से उल्टेंगे तो वो निकल जाता है। और इसे जब हम भर के रखते हैं तो सीसा का बर्तन होना चाहिए। सीसा के बर्तन को खूब अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, और सुखाने के बाद उसमें भरकर आप इसे रख दें। ये 6 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होता है। देखिए इसमें पानी की बूंद ऊपर आ गई है। अब इसे आपको ये चमकता हुआ बूंद दिख रहा है, इसे आप जब इस तरह से उल्टेंगे तो वो निकल जाता है। और इसे जब हम भर के रखते हैं तो सीसा का बर्तन होना चाहिए। सीसा के बर्तन को खूब अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, और सुखाने के बाद उसमें भरकर आप इसे रख दें। ये 6 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होता। अगर आपको डर लगता हो तो आप उसे फ्रिज में रख दें। मुझे आप लोगों को घी को धोकर दिखलाना था, इसलिए मैंने आपको फटाफट घी को धोकर दिखलाया। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पानी डालकर घी को थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर घी को थोड़ी देर घुमाती हूँ अच्छी तरह से, और जिसको कि मंथन कहते हैं, मंथन करके उसके बाद पानी निकाल कर फेंक देती हूँ। फिर से पानी डालकर थोड़ी देर छोड़कर फिर उसे धोती हूँ और उसके बाद पानी फेंक देती हूँ। इस तरह से घी को धोते हैं। गाय का घी कैसा होता है, पीले रंग का, लेकिन जब हम इसे धो देते हैं तो ये बिल्कुल सफेद हो जाता है और बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।